Hello, welcome to our channel Draxi's Knowledge Deck. Today one more thing to be educated to everyone here. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये है मेथी, मेथी की भाजी जो हर किसी को बहुत सारी पसंद है ये। तो आजकल के ज़माने में ज़्यादातर कीट लगने की वजह से इसको बहुत सारी फसल बर्बाद हो रही है और ये बहुत कम खाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो हो सकता है कि हानि पहुंचा सकता है हमें, ये है उसका कीड़ा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी वर्म दिखता है, तो ये उसका कीड़ा है। तो इस चीज़ को हमको बहुत ख्याल से चुनते वक्त भी सारे माँ बहनों को और जो लोग भी चुनते हैं इसको बहुत केयरफुली चुने, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि ये कीड़े जो मौजूद हैं दिखाई भी नहीं देते यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं इसका कलर भी तो सेम है, इवन एक ग्रीन कलर का लीफ है तो कीड़ा भी है ग्रीन कलर का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये है कीड़ा जो हम यहाँ पे देखिए ये, तो ये कीड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ हार्मफुल बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर लोग खाते भी हैं ऐसे ही। अभी आप कहीं होटल में चले जाएं खाने के लिए तो वहाँ पे कच्ची मेथी दी जाती है, कच्ची मेथी बिना किसी, हो सकता है धोते हैं लेकिन बट एक कीड़े रह जाते हैं वैसे ही अपनी जगह पे, तो बिना देखे आप भी खा जाएंगे तो क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप कैसे ये मेथी के जो भाजी है ना, या साग कहते हैं, मेथी का साग कहते हैं और इसको कन्नड़ में कहते हैं मेंथी पल्ले और हिंदी में कहते हैं मेथी चा भाजी, सॉरी मराठी में कहते हैं मेथी चा भाजी और हिंदी में तो मेथी की भाजी होती है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फिनोग्रीक लीफ। ये तो बहुत हेल्पफुल है हमारे हेल्थ के लिए, तो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इससे बहुत सारे रोग है ना, जो जॉइंट पेंस हैं, जो बहुत सारे हैं डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रोग यानी डिजीज़ को एक खात्मा कर देती है मेथी। लेकिन जब इस तरह के कीड़े मिल जाएं और ये हमारा खात्मा कर दे सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।